वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबा कर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। बिहार में कोरोना काल और बाढ़ के संकट के बीच इस साल के अंत में विधानसभा का चुनाव होना है। इस संबंध में चुनाव आयोग ने मंगलवार यानी 18 अगस्त को बैठक की थी। इस बैठक में आयोग ने राजनीतिक पार्टियों द्वारा भेजे गए सुझाव पर भी चर्चा की। कई पार्टियों ने चुनाव को कुछ समय के लिए स्थगित करने की मांग की थी, लेकिन इसके बावजूद चुनाव आयोग की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया है कि बिहार विधानसभा का चुनाव अपने समय पर ही होगा। इसके संबंध में आयोग 3 दिन के अंदर दिशा निर्देश जारी करेगा। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में कोरोना काल में होने जा रहे बिहार विधानसभा चुनाव के बारे में। दरअसल आयोग ने राजनीतिक दलों द्वारा दिए गए विचारों और सुझावों पर विचार करने के साथ साथ उसने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों द्वारा दिए गए सुझावों और सिफारिशों पर भी विचार किया है। इसके बाद अपने बयान में कहा है कि इन सभी पर विचार करने के बाद आयोग ने 3 दिनों के भीतर व्यापक दिशा निर्देश तैयार करने का निर्देश दिया है। आयोग ने यह भी निर्देश दिया है कि इन दिशा निर्देशों के आधार पर चुनाव कराने वाले राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को चुनाव के दौरान स्थानीय परिस्थितियों के ध्यान में रखते हुए COVID-19 से संबंधित उपायों के लिए संबंधित राज्य या जिले के लिए एक व्यापक योजना तैयार करनी चाहिए, ताकि किसी भी तरह के होने वाले समस्या से निपटा जा सके। बता दें कि बिहार विधानसभा का कार्यकाल 29 नवंबर को समाप्त हो रहा है और इस दौरान अक्टूबर नवंबर में किसी समय चुनाव कराए जाने की संभावना है, जबकि कोरोना महामारी और बारिश की वजह से कई उपचुनाव को टाल दिया गया था और अब तक किसी भी तरह के चुनाव कार्यक्रम की घोषणा नहीं की गई है। वहीं चुनाव आयोग की तैयारियों के बीच चुनाव आयुक्त अशोक लवासा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने पिछले दिनों राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को अपना इस्तीफा सौंप दिया। हालांकि अभी तक इससे स्वीकार नहीं किया गया है और न ही इसके बारे में कोई आधिकारिक पुष्टि की गई है। गौरतलब है कि बिहार में चुनाव नजदीक है। इस बीच राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर हमलावर होती दिख रही हैं। बिहार नेता एवं पूर्व सांसद पप्पू यादव ने एक ट्वीट कर बिहार सीएम नीतीश कुमार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार एक ऐसे विद्यार्थी हैं जो पिछले 15 सालों में पास नहीं हुए हैं, लेकिन उन्हें और 5 साल चाहिए। बिहार की जनता अपने इस नालायक नकारा कपूत के लिए और 5 साल बर्बाद नहीं करेगी। इस दौरान उन्होंने सीएम कैंडिडेट के बारे में भी खुलकर बोला है। उन्होंने कहा है कि बिहार का नेतृत्व किसी दलित या महादलित समुदाय के नेता को करना चाहिए। कांग्रेस लोकसभा की पूर्व अध्यक्ष मीरा कुमार को आगे लाए और राज्य की जनता के सामने एक नया विकल्प प्रस्तुत करे। तो ये थी बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही कोरोना काल में चुनाव कराने को लेकर आप कितना सहमत है वो भी कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।